गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कुलदीप बिरवाल, प्रवक्ता कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलायत, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत टॉपिक अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीयकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखने वाले हैं अधिकार अंतरण का अर्थ और साथ ही साथ उसकी परिभाषाएं भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ अधिकार अंतरण के तत्व, अधिकार एवं उत्तरदायित्व में अंतर हम जो है वो जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मिलते जुलते से शब्द होते हैं, इनको समझना बड़ा आवश्यक है। इसके अलावा उत्तरदायित्व और जवाबदेही में अंतर हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर श्रम विभाजन के बारे में हम पढ़ेंगे, अधिकार अंतरण की प्रक्रिया हम जानने का प्रयास करेंगे, महत्व भी हम जानने का प्रयास करेंगे, विकेंद्रीयकरण के विषय में हम पढ़ेंगे, और लास्ट हमारा जो इसी विषय का टॉपिक रहेगा वो रहेगा अधिकार अंतरण और विकेंद्रीयकरण में डिफरेंस रहेगा। तो ये हमारा जो है वो आज की वीडियो का पूरा एक कॉन्टेंट है जिसको हम आज की वीडियो में उठाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है अधिकार अंतरण के अर्थ और उसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। तो परिभाषा से लेते हैं, मिस्टर मूरे क्या कह रहे हैं। अधिकार अंतरण से अभिप्राय दूसरे लोगों को कार्य सौंपने तथा उसे करने के लिए अधिकार प्रदान करना है। बिल्कुल साधारण सा अर्थ है, कोई ज़्यादा दिमाग जो है वो लगाने की आवश्यकता नहीं है। अधिकार अंतरण मतलब अपने अधिकार दूसरे लोगों को सौंपना है, और दूसरे लोग कौन होंगे? जो मेरे अंडर में काम कर रहे होंगे उन्हीं को मैं ही अधिकार सौंपूंगा, जिनसे मुझे जो है वो काम लेना है। तो मूरे की डेफिनेशन फिर से पढ़ देता हूं। अधिकार अंतरण से अभिप्राय दूसरे लोगों को कार्य सौंपना है तथा उसे कार्य के लिए अधिकार प्रदान करना है। काम भी सौंप दिया और उस काम से जुड़े हुए अधिकार भी हमने उसको प्रदान कर दिए, तो हम उसको कहेंगे अधिकार अंतरण। इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, मैंने आपके लिए इंग्लिश में भी जो है वो कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। मिस्टर हेमन की पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन। अधिकार अंतरण का अभिप्राय केवल यह है कि अपने अधीनस्थों को निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने के अधिकार सौंपने हैं। तो मिस्टर हेमन कह रहे हैं कि निश्चित कर दें कि कितने कहां तक के अधिकार जो हैं वो अपने कर्मचारियों का अधीनस्थ, मतलब जो हमारे अंडर में काम कर रहा है। मान लो मैं प्रबंधक हूं तो मेरे अंडर में सुपरवाइजर हो सकते हैं जो कार्य कर रहे हो, तो वो उनको मैं अधीनस्थ कहूंगा, सुपरवाइजर्स को जो मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट्स। तो निश्चित सीमा तक, बिल्कुल टोटली अधिकार देने के पक्ष में नहीं है मिस्टर हेमन, लेकिन एक निश्चित सीमा तक जो है वो हम उनको अधिकार जो हम सौंपेंगे उनको हम अधिकार जो है वो अंतरण के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हमें याद रखना है अगर हम इसके अर्थ को पूर्ण रूप से जो है वो याद रखने का प्रयास करें? अधिकार अंतरण जो है वो संगठन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस हमने पढ़ा था। इसकी आवश्यकता उस समय उत्पन्न होती है जब एक प्रबंधक के पास कार्यभार अधिक हो जाता है। अब वो एक प्रबंधक है, वो बहुत सारे कार्य जो है वो एकदम से अच्छे ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता, वह सभी कार्यों का निष्पादन स्वयं नहीं कर पाता, परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं दे पाता। ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, अपने कार्य को अपने अधीनस्थों में विभाजित कर देता है, थोड़ा 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 हर एक को दे देता है जो उनके अंडर में काम करते हैं। लेकिन मात्र कार्य विभाजन कर देने से कार्य की सफलता सुनिश्चित नहीं होती। हमने पहले भी इस तरह की चीजें जो हैं वो प्रबंधन वाले जो शुरू वाले हमारे चैप्टर आए हैं उसमें हमने पढ़ा है। कार्य का सफलतापूर्ण निष्पादन करने के लिए अधीनस्थों को कार्य से संबंध में निर्णय लेने के अधिकार भी दिए जाने जरूरी होते हैं, नहीं तो वो कार्य कर ही नहीं पाएंगे, मशीनीकरण की तरह काम हो जाएगा उनका, उनकी जवाबदेही नहीं बन पाएगी क्योंकि उनके पास तो अधिकार नहीं है। अतः कार्य विभाजन और उसके निष्पादन हेतु आवश्यक अधिकार सौंपने को ही अधिकार अंतरण या फिर भारार्पण या अधिकार सौंपना या अधिकारों का प्रत्यायोजन कहते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा पूर्ण अर्थ जो है वो हमारा अधिकार अंतरण का हो जाता है। कार्य विभाजन और निष्पादन हेतु आवश्यक अधिकारों को सौंपने को ही हम अधिकार अंतरण के नाम से जानते हैं। बिल्कुल अच्छा और साधारण सा टॉपिक है, बिल्कुल आसानी से बिल्कुल समझ में आने वाला है। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अधिकार अंतरण के तत्व एलिमेंट्स पढ़ते हैं अब हम कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो एक आता है उत्तरदायित्व,
एक आएगा अधिकार और एक आएगा जवाबदेही। तो ये तीन ही चीज़ों के ऊपर जो है वो हम जो है वो आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलिए पढ़ देता हूँ। उत्तरदायित्व का अर्थ क्या हो गया? सौंपे गए काम को ठीक ढंग से पूरा करने की अधीनस्थ की जिम्मेवारी से है। ठीक है, सौंपे गए काम को ठीक ढंग से पूरा करने की अधीनस्थ की जिम्मेवारी को हम उत्तरदायित्व कहते हैं। भाई जो काम उसको सौंप दिया, अधिकार भी सौंप दिए उसको, अब अधीनस्थ की जिम्मेवारी है कि वो काम को अच्छे ढंग से करे। जब एक अधिकारी अपने अधीनस्थ को कोई भी काम सौंपता है तो उसे पूरा करना अधीनस्थ का उत्तरदायित्व बन जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि उत्तरदायित्व शब्द काम सौंपने पर ही उत्पन्न होता है, अतः काम सौंपने को ही हम उत्तरदायित्व सौंपना भी कह सकते हैं। मतलब जब तक काम ही नहीं सौंपेगा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैसे बनेगी उस काम के प्रति? तो काम सौंपना जो है वो उत्तरदायित्व सौंपना हो जाता है। तो हम दो तरह से जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग हम ले लेते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। के लिए उत्तरदायित्व और के प्रति उत्तरदायित्व। के लिए उत्तरदायित्व का अर्थ अधीनस्थ को सौंपे गए काम को पूरा करने की जिम्मेवारी होना है। ठीक है, कि क्या हुआ, के लिए उत्तरदायित्व का मतलब, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर का मतलब क्या हुआ, अधीनस्थ को सौंपे गए काम को पूरा करने की जिम्मेवारी होना है। और जबकि के प्रति उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी टू का अर्थ क्या हुआ, अधीनस्थ की कार्य निष्पादन से संबंधित अपने अधिकारों के प्रति उत्तरदायित्व होना है। एक कार्य से संबंधित है, मतलब कार्य की परफॉर्मेंस से संबंधित है, और कार्य लेने से संबंधित है। ठीक है, या फिर और ज्यादा अगर हम शब्दों में कहें तो के लिए उत्तरदायित्व को क्रियात्मक उत्तरदायित्व और के प्रति उत्तरदायित्व को अंतिम उत्तरदायित्व के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर को हम ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं और के प्रति उत्तरदायित्व को हम अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अंतिम उत्तरदायित्व के नाम से जानते हैं। एक वरिष्ठ अपने अधीनस्थ को केवल क्रियात्मक उत्तरदायित्व सौंप सकता है। जो सीनियर है वो अपने जूनियर को केवल क्रियात्मक उत्तरदायित्व ही सौंप सकता है, अंतिम उत्तरदायित्व नहीं। यानी कि जो सीनियर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर तो जो है वो जनरेट कर सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जनरेट नहीं कर सकता अपने जूनियर के लिए। जबकि अंतिम उत्तरदायित्व हमेशा अधिकार सौंपने वाले यानी कि वरिष्ठ जो सीनियर है उसी के पास रहता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू और रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर का कंसेप्ट है। चलिए अब उत्तरदायित्व की विशेषताएं ले लेते हैं हम। विशेषताओं से भी बहुत सारे अर्थ हमारे क्लियर हो जाते हैं, और ये अगर हम अर्थ क्लियर कर ले तो हम विशेषताएं अपने आप बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, उत्तरदायित्व को दूसरे व्यक्ति को सौंपना उत्तरदायित्व कहलाता है, यही हमारा अर्थ था, तो ये हमारी विशेषता हो गई। फिर कर्तव्य पालन, इसका सार जो है वो कर्तव्य पालन से होता है। जब काम सौंप देते हैं तो उस अधीनस्थ का जो है वो कर्तव्य हो जाता है कि उन सारे जो भी उसको काम दिए गए हैं उनको अच्छे ढंग से पूर्ण करें। फिर इसके अलावा इसकी उत्पत्ति अधिकारी अधीनस्थ संबंधों के कारण होती है। अधिकारी के अंडर में जो अधीनस्थ आएंगे, जब अधीनस्थ होंगे तभी उत्तरदायित्व जो है वो उत्पन्न होता है। अगर अधीनस्थ होंगे ही नहीं तो उत्तरदायित्व भी उत्पन्न नहीं होगा। तो ये हमारा उत्तरदायित्व वाला जो है कंसेप्ट है। चलिए अगले पे चलते हैं, अधिकार यानी कि अथॉरिटी, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, क्या होता है जान लेते हैं। अधिकार का अभिप्राय निर्णय लेने की शक्ति से है। बिल्कुल साधारण सा अर्थ है, अधिकार का अभिप्राय निर्णय लेने की शक्ति से है। मतलब क्या हुआ कि सीनियर ने जो है वो कार्य करने के जो अधिकार जो है वो अपने अधीनस्थ जूनियर को दे दिए, तो अब उसके पास क्या आ गई, निर्णय लेने की शक्ति आ गई। अब उस काम की अच्छे ढंग से निष्पादन परफॉर्मेंस करने के लिए वो स्वतंत्र रूप से जो है निर्णय लेने की शक्ति उसके पास में आ गई। निर्माण संसाधनों के प्रयोग करने अथवा कोई काम करने या ना करने से संबंधित हो सकते हैं ये निर्णय जो हैं। वो संसाधनों का प्रयोग करना है या नहीं करना है, या कोई काम करना है या नहीं करना, इससे संबंधित जो है वो ये सारे के सारे निर्णय लेने की शक्तियां जो है वो अधीनस्थ को प्राप्त हो जाती हैं। विशेषताएं क्या हैं इसकी? सबसे पहली, अधिकार को दूसरे व्यक्तियों को सौंपा जाता है। ये बिल्कुल सिंपल है, जब तक दूसरे को नहीं सौंपेंगे तब तक तो वो पावर ही नहीं यूज कर पाएगा उन चीजों की। फिर इसका संबंध जो है वो पोस्ट से होता है, किस पोस्ट में हम बैठे हैं, पद से है।
जैसे मैनेजर बैठा होगा या सुपरवाइजर बैठा है, तो उससे जुड़ी हुई जो है वो सारी चीज़ें जो है वो अधिकार जो हैं उसी प्रकार से चलेंगे। जैसे ही पोस्ट बदलेगी, जैसे मान लो एक मैनेजर है और एक सुपरवाइजर है, दोनों के पास अलग अलग तरह के अधिकार मिलेंगे। जैसे ही सुपरवाइजर मान लो प्रबंधक की पोस्ट पे चला जाता है, प्रमोशन हो जाती है उसकी, तो उसके सुपरवाइजर वाले अधिकार खत्म हो जाते हैं और प्रबंधक वाले अधिकार जो हैं वो उसके शुरू हो जाते हैं। आप इस प्रकार से इस उदाहरण से भी याद रख सकते हैं। या फिर एक हम अगर स्कूल की बात कर लें, तो एक टीचर के अधिकार अलग मिलेंगे और एक प्रिंसिपल के अधिकार अधिक मिलेंगे अलग मिलेंगे। जैसे ही वो टीचर कभी इन फ्यूचर प्रिंसिपल बनता है, तो उसके टीचर वाले अधिकार खत्म होकर प्रिंसिपल वाले अधिकार जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो अधिकार जो है वो पद से संबंधित होते हैं। फिर इससे निर्णयों का पालन करवाना संभव हो जाता है। जब अधिकार मिल जाते हैं तो फिर निर्णय जो है वो सभी प्रकार के अधिकार मिलेंगे। तो जो भी वो निर्णय लेगा, जो शक्ति उसको मिल गई है निर्णय लेने की, तो उसको जो है वो पालन करवाना बिल्कुल आसान हो जाता है, संभव हो जाता है। फिर इसके अलावा अधिकारों को प्रबंधकीय पद की कुंजी माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है अथॉरिटी इज द की ऑफ मैनेजेरियल जॉब, क्योंकि यदि किसी पद के साथ अधिकार नहीं जुड़े होंगे तो वह कभी भी अच्छे ढंग से कार्य निष्पादन नहीं कर पाएगा। तो अधिकार मिलेंगे तो अच्छे ढंग से हम कार्य संपन्न कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, अधिकार एवं उत्तरदायित्व में अंतर। तो बेसिस जो है वो मैं बताता जाऊंगा और साथ ही साथ उनके अर्थ बताता जाऊंगा। अंतर के आधार, तो सबसे पहला है अर्थ। अधिकार क्या था? निर्णय लेने की शक्ति। और उत्तरदायित्व क्या था? किए जाने वाले काम से जुड़ा हुआ था। ठीक है, फिर दूसरा हमारा अधिकार दिशा या फिर प्रवाह, हम कहें जिसको डायरेक्शन। अधिकारों का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ होता है। प्रबंधक ने जो है वो अपने नीचे, जो मान लो सुपरवाइजर काम कर रहा था, तो उसको जो है वो अधिकार देता है, तो ऊपर से नीचे चलता है। जबकि उत्तरदायित्व का प्रवाह नीचे से ऊपर चलता है, मतलब जो सुपरवाइजर था वो प्रबंधक के प्रति जो है वो उत्तरदायित्व उसका रहता है, तो ये नीचे से ऊपर चलता है उत्तरदायित्व। फिर उसके बाद उद्गम कैसे हुआ है इसमें? अधिकार जो है वो संगठन में औपचारिक पद के कारण उत्पन्न, फॉर्मल पोजीशन, और हमने अधिकार में पढ़ी लिया ये तो पद से संबंधित होते हैं अधिकार, तो औपचारिक पद से जो है वो ये उत्पन्न होता है। जबकि उत्तरदायित्व जो है वो अधिकारी और अधीनस्थ के संबंधों के कारण उत्पन्न होता है, जो हमने अधिक उत्तरदायित्व के जो विशेषताओं में हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद में चौथा सार, अधिकार सार निर्णयों का पालन करवाना है। अधिकार का जो सार है वो निर्णयों का पालन करवाना, क्योंकि निर्णय की शक्ति जो है कर्मचारी को मिल गई, अधीनस्थ को मिल गई, फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइजर को मिल गई, तो वो क्या करता है, जो भी निर्णय वो लेता है उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं उनसे पालन करवाना जो है वो अधिकार क्षेत्र में शामिल होता है। जबकि उत्तरदायित्व का सार कर्तव्यों का पालन करना होता है, जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई वर्कर को, उसके प्रति जो है वो उसके कर्तव्य बन जाते हैं कि मुझे इस प्रकार के निर्णय, इस प्रकार के जो है वो उत्तरदायित्व मुझे मिला है, उसी प्रकार से मुझे वो कार्य करना है। तो कर्तव्य पालन जो है वो हमारा उत्तरदायित्व का सार कहलाता है। चलिए जवाबदेही या फिर उत्तरदेता, ये हमारा तीसरा है, हमारा एलिमेंट है अधिकार अंतरण का। अर्थ पे चलते हैं पहले। जवाबदेही का अभिप्राय अधीनस्थ द्वारा कार्य निष्पादन यानी कि वर्क परफॉर्मेंस के लिए अधिकारी को जवाब देने से है। जवाबदेही याद रखने का तरीका है, जवाबदेही जवाब देना, उत्तरदेही उत्तर देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके अर्थ को याद कर सकते हैं। जवाबदेही का अभिप्राय अधीनस्थ द्वारा यानी कि जो जूनियर है, जैसे हम उदाहरण लेके चल रहे हैं प्रबंधक और सुपरवाइजर का, तो उसमें अधीनस्थ सुपरवाइजर है, तो सुपरवाइजर क्या कर रहा है, अपने कार्य वर्क परफॉर्मेंस के लिए अधिकारी को जवाब जो दे रहा है ना, उसको हम जवाबदेही कहेंगे यहाँ पे। या फिर अन्य शब्दों में हम कहें, जब अधिकारी अधीनस्थ को काम अथवा उत्तरदायित्व सौंपता है और उसे पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार देता है, तो अधीनस्थ कार्य निष्पादन के लिए अधिकारी के समक्ष जवाबदेही होता है, उत्तरदेता होता है। बिल्कुल आसान सा है इसका अर्थ। चलिए विशेषताएं पढ़ते हैं इसकी। पहली, जवाबदेही को दूसरे व्यक्तियों को नहीं सौंपा जा सकता, मतलब जिसको कार्य सौंपा गया है वही उसकी जवाबदेही देगा, कोई दूसरा व्यक्ति अन्य व्यक्ति नहीं दे सकता। फिर यह केवल
अधिकार सौंपने वाले व्यक्ति के प्रति होती है, मतलब जिसने मुझे अधिकार सौंपा है मेरी जवाबदेही उसी के प्रति होगी। प्रबंधक ने सुपरवाइजर को अधिकार सौंपा है तो सुपरवाइजर की जवाबदेही प्रबंधक के प्रति होगी, किसी तीसरे आदमी के प्रति नहीं होगी। फिर इसका आधार अधिकारी अधीनस्थ संबंध होता है, ठीक है। अधिकारी अधीनस्थ होंगे तभी जो है वो जवाबदेही उत्पन्न होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फिर इसके अलावा क्या हो सकता है, यह अधिकार सौंपने के कारण उत्पन्न होती है, अगर अधिकार ही नहीं सौंपा गया तो जवाबदेही जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो ये हमारा जवाबदेही है। फिर इसके बाद हमारा आता है उत्तरदायित्व और जवाबदेही में डिफरेंस, छोटे छोटे पॉइंट हैं बिल्कुल। सबसे पहले हम आधार का जो है वो अंतर का आधार लेंगे, अर्थ उत्तरदायित्व किए जाने वाले काम से संबंधित होता है और हमारा जवाबदेही जो होता है वो वरिष्ठ के समक्ष किए गए काम के लिए जवाब देना होता है। जो अभी हमने जस्ट अर्थ लिया है, उत्तरदायित्व जो है वो जब हमें कार्य जो है वो सौंप दिया जाता है तब उत्तरदायित्व उत्पन्न हो जाता है, और जब हम जवाबदेही का मतलब क्या होता है कि हमें वरिष्ठ को अपने काम वर्क परफॉर्मेंस के लिए जो हम आंसर देते हैं जवाबदेही देते हैं उसको हम जो जवाबदेही कहते हैं। फिर दूसरे को सौंपना अंतर का आधार है ये, उत्तरदायित्व अथवा काम को दूसरे व्यक्तियों को सौंपा जा सकता है, जबकि जवाबदेही में दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता, जिसको काम दिया गया है वही जवाबदेही जो है वो अपने सीनियर को देगा। एक ये भी डिफरेंस का आधार है इसमें। और तीसरा उद्गम, उत्तरदायित्व अधिकारी अधीनस्थ संबंध के कारण उत्पन्न होते हैं, जबकि जवाबदेही अधिकार सौंपने से संबंध होते हैं। अधिकार नहीं सौंपा जाएगा तो जवाबदेही भी नहीं बनेगी। उत्तरदायित्व जबकि अधिकार और अधीनस्थ के संबंध के कारण होते हैं, जब दोनों आपस में मिलकर कार्य करते हैं तो उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है। तो ये छोटा सा एक आसान सा था। अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट सा छोटा सा एक पॉइंट है कि क्या उत्तरदेयता को सौंपा जा सकता है, क्या जवाबदेही को सौंपा जा सकता है इस प्रकार का। तो उत्तरदेयता के बारे में एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस प्रकार का आपका प्रश्न आ सकता है दो नंबर में, कि क्या एक अधिकारी अपने अधीनस्थों को अधिकारों का अंतरण करके अंतिम उत्तरदेयता से मुक्त हो सकता है, अर्थात क्या है वह अधिकार सौंपने पर अधीनस्थों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सफलता या असफलता के लिए अपने उच्च अधिकारियों के प्रति उत्तरदेय जवाबदेह नहीं रहता है। अर्थात साधारण शब्दों में कहें तो क्या एक अधिकारी का उच्च अधिकारी सीधे ही अधिकारी के अधीनस्थों को जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं में दिया जाएगा, क्योंकि केवल अधिकारों को ही सौंपा जा सकता है, उत्तरदेयता को नहीं। उदाहरण के लिए एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं इसको। मुख्य प्रबंधक एक विभागीय प्रबंधक को काम सौंपता है, जो मुख्य क्या हो गया, जो सबसे ऊपर है, उसके अंडर में आ गए प्रोडक्शन आ गया, उसके अंदर में सेल्स आ गया, उसके अंदर मार्केटिंग आ गया। तो इस प्रकार से एक विभागीय प्रबंधक को काम सौंपता है और विभागीय प्रबंधक अपने अधीनस्थ को काम कार्य भी सौंपेगा और अधिकार भी सौंपेगा, लेकिन ऐसा करने से उसकी उत्तरदेयता समाप्त नहीं हो जाएगी। अपने अधीनस्थ के कार्य की सफलता असफलता के लिए वह स्वयं सदैव मुख्य प्रबंधक के प्रति जवाबदेही रहेगा। इसी आधार पर यह कहना बिल्कुल सत्य है कि केवल अधिकारों को ही सौंपा जा सकता है, उत्तरदेयता को नहीं। उत्तरदेयता हमेशा अधिकार सौंपने वाले व्यक्ति तक ही रहती है। हुआ क्या कि मुख्य प्रबंधक ने जो विभागीय प्रबंधक को जो है वो कार्य सौंपा और विभागीय प्रबंधक ने अपने अधीनस्थों को सौंपा, तो अधीनस्थ की जवाबदेही जो है वो उत्तरदेही विभागीय प्रबंधक की रहेगी और विभागीय प्रबंधक की जवाबदेही जो है वो मुख्य प्रबंधक की रहेगी। ये नहीं है कि मुख्य प्रबंधक सीधा जो है वो अधीनस्थों से जवाबदेही मांग ले। तो इसका उत्तर रहेगा हमारा नहीं। चलिए, श्रम विभाजन जो है वो एक छोटा सा टॉपिक है, अंतरण का आधार, इसको पढ़ लेते हैं हम। वर्क डिवीजन हम पहले भी इस पे जो है वो बात कर चुके हैं। अधिकार अंतरण का अभिप्राय अधीनस्थों को सौंपे गए उत्तरदायित्व अथवा कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करना है। अधिकार निर्णय लेने की शक्ति को कहा जाता है, हमने पढ़ा था अभी। जब उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अधिकार प्राप्त होते हैं तो जवाबदेही का जन्म होता है, और जवाबदेही का हमने अर्थ क्या पढ़ा था,
उच्च अधिकारियों के समक्ष कार्य निष्पादन के लिए, कार्य निष्पादन मतलब वर्क परफॉर्मेंस के लिए जवाब देना है। तो अधिकार अंतरण हमने अभी पढ़ा था, ये वो है। फिर श्रम विभाजन क्या है इसमें? प्राय किसी भी अधिकारी, प्राय कोई भी अधिकारी इतना सक्षम नहीं होता कि सारा काम काम स्वयं कर ले। इस चैप्टर की शुरुआत यहीं से हुई थी कि प्रबंधक पे वर्कलोड बढ़ गया, वो अपना काम डिवाइड कर रहा है। तो श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, प्राय कोई भी अधिकारी इतना सक्षम नहीं होता कि सारा काम स्वयं कर ले। अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करवाने के लिए अधिकारी अपने संपूर्ण कार्य का विभाजन कर देता है, मतलब बांट देता है कार्य। काम को अनेक भागों में विभक्त करके प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग व्यक्ति को अधिकारी बना देता है, अधिकारी को सौंप देता है। इस प्रक्रिया को श्रम विभाजन कहा जाता है। एक नंबर में, दो नंबर में आ जाता है इस प्रकार का प्रश्न। इसका आधार जो है वो विशिष्टीकरण है। विशिष्टीकरण हम पिछले वीडियो में खूब अच्छे से पढ़ के आए हैं, तो इस वीडियो में नहीं करता डिस्कशन। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि श्रम विभाजन यानी कि कार्य को सौंपना, श्रम विभाजन होने पर ही अधिकार सौंपने की बात आती है। यदि कार्य ही नहीं सौंपा जाएगा तो अधिकार सौंपने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अतः कह सकते हैं हम कि अधिकार अंतरण श्रम विभाजन पर आधारित होती है। तो दोनों आपस में ये जुड़े हुए हैं। चलिए इसी टॉपिक का अगला टॉपिक, अधिकार अंतरण प्रक्रिया क्या है। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सा छोटा सा टॉपिक है ये। प्रोसेस जो है वो सबसे पहला इसके अंदर आएगा उत्तरदायित्व सौंपना। तो तीन स्टेप के ऊपर ये जो है वो टिकी हुई है। तो स्टेप टू स्टेप हम उठा लेते हैं इसको। सबसे पहले उत्तरदायित्व सौंपना, बार बार उत्तरदायित्व आ रहा है, धीरे धीरे आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अधिकार अंतरण प्रक्रिया, अधिकार अंतरण क्या था? अधिकार को डिवाइड करना, दूसरे को सौंपना। अधिकार अंतरण प्रक्रिया का पहला कदम उत्तरदायित्व सौंपा जाना है। प्राय कोई भी अधिकारी इतना सक्षम नहीं होता कि वह अपने सारा का सारा काम जो है वो अच्छे ढंग से पूरा कर ले। तो अपने कार्य को अच्छे ढंग से पूरा करने के लिए, सफलतापूर्वक निष्पादन के लिए अधिकारी अपने संपूर्ण कार्य का विभाजन कर देता है। विभाजन का मतलब बांट देता है दूसरे अपने अधीनस्थों में। इस प्रकार वह महत्वपूर्ण कार्य को अपने पास रखकर शेष सभी कार्य जो है वो अपने अधीनस्थों को सौंप देता है। जैसे कि मुख्य प्रबंधक अपने पास रख लेगा स्पेशल स्पेशल जो पावर्स हैं, और बाकी सारी अंडर जो उसके आते होंगे विभागीय प्रबंधक, या सेल्स वाला आ गया, मार्केटिंग वाला आ गया, परचेज वाला आ गया, तो उनमें बांट देगा वो सारे के सारे काम। अधीनस्थों को कार्य सौंपते समय उनकी योग्यता और कुशलता को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए एक वित्त प्रबंधक वित्त व्यवस्था के काम को अपने पास रखकर लेखांकन या फिर डाटा कलेक्ट करना इत्यादि के कार्य अपने अधीनस्थों को सौंप सकता है। तो मेन काम अपने पास रख लेगा वित्त प्रबंधक, और बाकी जो छोटे छोटे काम है वो सारे के सारे अपने अधीनस्थों में बांट देगा। तो ये होगा हमारा उत्तरदायित्व सौंपना। फिर प्रोसेस का दूसरा जो है वो हमारा स्टेप है, वो है अधिकार प्रदान करना, ग्रांटिंग अथॉरिटीज। अधिकार अंतरण प्रक्रिया का दूसरा कदम कार्य का सफलतापूर्वक निष्पादन के लिए अधिकार सौंपना है। हमने पढ़ लिया इसी चैप्टर में, अधिकार नहीं सौंपे जाएंगे तो कार्य का निष्पादन अच्छे प्रकार से नहीं हो पाएगा। जब तक अधीनस्थों को अधिकार प्रदान ना कर दिए जाए तब तक कार्य भार सौंपना अर्थहीन होता है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं हो सकती। अर्थात कार्यभार को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक अधिकार सौंपे जाने चाहिए। उदाहरण के लिए जब तक एक मुख्य प्रबंधक क्रय प्रबंधक को क्रय विभाग का काम सौंपता है तो माल क्रय, माल का स्टॉक कितना रखना है, कितना माल क्रय रखना है, अपने कार्य को अधीनस्थों में बांटने आदि के अधिकार भी प्रदान कर देता है। ठीक है, तो मतलब मुख्य प्रबंधक ने जो परचेजिंग मैनेजमेंट था उसको जो है ना सारे अधिकार दे दिए कि आप अपने ढंग से कार्य का विभाजन कीजिए, जिस प्रकार से जिसको भी देना चाहें। तो ये हो गया हमारा अधिकार प्रबंधन, दूसरा स्टेप। तीसरा आ जाएगा हमारा उत्तरदायित्व निश्चित करना। ये सारे सारे हम अर्थ पहले पढ़ चुके हैं, अधिकार, उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व, बस वो स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं अब हम। फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, अधिकार अंतरण प्रक्रिया का अंतिम कदम अधीनस्थों को कार्य निष्पादन के लिए जिम्मेवार ठहराना है। जिसको काम दिया है उसके उत्तरदायित्व अब निश्चित कर लेते हैं हम। प्रत्येक अधीनस्थ केवल उस अधिकारी के समक्ष ही जवाबदेही होगा जिससे कार्य करने के अधिकार उसको प्राप्त हुए हैं। जवाबदेही का हमने अर्थ पढ़ा भी था कि कार्य निष्पादन के लिए अधिकारियों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का उत्तर देना जवाबदेही होते हैं। तो सबसे पहले उत्तरदायित्व सौंप दिए, फिर अधिकार सौंप दिए, और फिर उसके बाद उत्तरदायित्व हमने निश्चित कर दिया। तो ये तीनों ऐसी प्रकार से स्टेप जो है वो हमारे चलते हैं। चलिए आप पढ़ लेते हैं अधिकार अंतरण का महत्व, इंपोर्टेंस क्या है इसकी।
तो हमने अभी तक जो है ये तो पढ़ लिया कि अधिकार अंतरण पर भावपूर्ण प्रबंधक का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यंत्र है। जैसे कि किसी व्यक्ति को कार्यभार उसकी क्षमता से अधिक है तो फिर वो जो है अपनी क्षमता को बनाए रखने का प्रयास करता है, लेकिन फिर अंत में हम क्या करते हैं कि अधिकार अंतरण कर देते हैं, मतलब उसको वर्क को जो है वो अपने हिस्सों में आगे आगे बांट देता है, जिससे क्या होता है कि उस अधिकारी की क्षमता विस्तृत हो जाती है, बढ़ जाती है और ज़्यादा। तो कुछ इसके इम्पोर्टेंस हैं वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला प्रभावपूर्ण प्रबंधक, इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्रभावपूर्ण का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेना, सही समय पे कम कॉस्ट में जो है वो हमने अच्छा प्रोडक्ट बना लेना। प्रोडक्ट का ही एग्जांपल लेता हूँ। अधिकार अंतरण से प्रबंधकों के कार्यभार में कमी आती है, वे प्रबंधकों को अधिकार अंतरण करते हैं, निश्चित रूप से उन प्रबंधकों से जो अधिकार अंतरण नहीं करते, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, उन्हें अधीनस्थों के कौशल का लाभ भी मिलता है। भाई मेरे अंडर में कोई इतना बढ़िया काम करने वाला हो, मैं जब तक वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं करूंगा तो मुझे भी पता नहीं चलेगा, तो उसका भी मुझे लाभ मिलेगा जब मैं अधिकार अंतरण करना शुरू कर दूंगा। यह स्थिति उद्देश्य प्राप्ति को आसान बना देती है और हमारा जो वर्क परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो ये प्रभावपूर्ण प्रबंधक है। फिर उसके बाद कर्मचारी विश्वास, विकास, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एक व्यक्ति का मानसिक विकास तभी होता है जब वो उसके पास निर्णय लेने का अधिकार होता है, अपने ढंग से वो कार्य कर पाता है। फिर अधिकार अंतरण प्रक्रिया अधीनस्थों को निर्णय लेने के अधिकार ही प्रदान करती है। अधिकारों के होते हुए प्रबंधक विभिन्न परिस्थितियों में निर्णय लेते हैं, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भविष्य में अधिक उत्तरदायित्व ग्रहण करने के भी वे योग्य बन जाते हैं। तो उनका विकास होता है, जैसे जैसे वो छोटा काम करते हैं फिर उनको और ज़्यादा अधिकार देते हैं, बड़ा काम करने लग जाते हैं, उनसे क्या होता है उनकी भी डेवलपमेंट जो है वो अच्छे तरीके से होने लग जाती है। तो कर्मचारियों का विकास करने में भी अंतरण, अधिकार अंतरण सहायक होता है। फिर कर्मचारियों का अभिप्रेरणा, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। अधिकार अंतरण प्रक्रिया में अधीनस्थों को उत्तरदायित्व और अधिकार सौंपे जाते हैं, मतलब उनको स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है कार्य करने की। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए क्या करते हैं, वो अपनी योग्यता और कुशलता का बढ़िया प्रदर्शन कर पाते हैं। बेहतर परिणाम आने पर संस्था में उनकी एक अलग पहचान बन जाती है, जिससे क्या होता है कि उन्हें कार्य संतुष्टि मिलती है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है। और जॉब सेटिस्फेक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम इंटरनली मोटिवेट होते हैं। तो कर्मचारियों का अभिप्रेरणा में भी अधिकार अंतरण सहायक होता है। फिर विकास में सहायक, अधिकार अंतरण प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति या विभाग का ही विकास नहीं होता बल्कि पूरे संगठन का विकास होता है। संगठन के अंदर निर्णय लेने की सक्षम कर्मचारियों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने के कारण व्यवसाय का विस्तार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसका मॉडर्नाइजेशन हम कर सकते हैं और साथ ही साथ विविधीकरण भी करने का जो है वो उद्योग के अंदर, जिस भी उद्योग में अधिकार अंतरण हो रहा है उनका विश्वास बढ़ता है और ज़्यादा वो प्रोडक्ट पे और ज़्यादा मतलब रिसर्च कर कार्य जो है वो कर पाते हैं। फिर अधिकार अधीनस्थ संबंधों का आधार जो है कि ये विशेषता है। एक संगठन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अधिकारी अधीनस्थ संबंधों का होना सबसे जरूरी है। दोनों में जितना अधिक कोऑर्डिनेशन होगा उतना ही बढ़िया वो कार्य कर पाएंगे, क्योंकि इस संबंध के कारण ही वे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे को समझने लग जाते हैं। ये संबंध अधिकार अंतरण प्रक्रिया से ही स्थापित होते हैं जब वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उनको अधिकार दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत अधिकारों का प्रवाह उच्च से निम्न स्तर की तरफ चलता है, हमने पढ़ लिया था ये डिफरेंसेस में। परिणाम स्वरूप ऊपर से नीचे अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी बनते चले जाते हैं। और लास्ट बढ़िया समन्वय, बेटर कोऑर्डिनेशन। अधिकार अंतरण उत्तरदायित्व, अधिकार उत्तरदेयता, जो हमने अभी स्टेप्स पढ़े थे, उत्तरदायित्व अधिकार उत्तरदेयता के संबंध में स्थापित करने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें कर्मचारियों को अपनी शक्तियों, कर्तव्यों व कार्य निष्पादन के प्रति जवाबदेही का स्पष्टीकरण देना होता है। अतः सभी स्तरों पर किए जाने वाले कार्य को स्पष्ट, एक ना एक पिक्चराइजेशन सा हो जाता है उनका कि किसको जवाबदेही देनी है, उसके पास कितने अधिकार हैं, जिसका जो है वो सबसे बढ़िया क्या होता है कि बेटर को जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो अधिकारी और अधीनस्थों में बनता चला जाता है। तो अधिकार अंतरण का ये कुछ महत्व है। चलिए आगे चलते हैं हमारा
नेक्स्ट टॉपिक विकेंद्रीय का। चलिए अधिकारांतरण के बाद में हमारा जो इसी चैप्टर का जो दूसरा सबसे बड़ा सब टॉपिक था वो है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले इसके अर्थ को जान लेते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो होता क्या है। मिस्टर हेनरी फ्योल की डेफिनेशन है, एक उसी में पूरा का पूरा अर्थ जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। क्या कहते हैं कि हर वह कदम जो अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है, हर वो कदम जो अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है विकेंद्रीयकरण कहलाता है, तथा हर वो कदम जो इसको कम करता है वो केंद्रीयकरण कहलाता है। अंग्रेजी में पढ़िए, बिल्कुल आसान बन जाएगी। एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज ऑफ सबोर्डिनेट्स रोल इन इज डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब सबोर्डिनेट अधीनस्थ के जितने ज्यादा जो है वो कार्य को, भूमिका को, उनके रोल को जितना ज्यादा बढ़ाता है तो हम उसको डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, और जब इसका उल्टा हो जाता है, कम करता है रोल को, तो हम उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो ये एक अभिकेंद्रीयकरण की एक डेफिनेशन हेनरी फ्योल ने दी थी। इसके अलावा मिस्टर डेविस ने भी जो है वो विकेंद्रीकरण की डेफिनेशन दी है कि संगठन की छोटे 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 इकाई तक, जहाँ तक व्यवसायिक हो, अधिकार और दायित्वों का विवरण जो है वो विकेंद्रीकरण कहलाता है। मतलब लोगों में जो है वो कार्य को बांटना, मतलब एक चीज पर फोकस ना करके उसी चीज को जो है वो अपने अधीनस्थों के अंदर बांट देना, अपने पास ही जो है ना वो सारा काम ना रखकर अपने अधीनस्थों को बांट देना विकेंद्रीयकरण कहलाता है। दूसरे अर्थों में कहें तो विकेंद्रीयकरण अधिकार अंतरण का ही एक विस्तृत रूप है, उसी का अधिकार अंतरण का एक बड़ा रूप है। इसके अंतर्गत निर्णय लेने में केंद्रों में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि मध्य स्तर और निम्न स्तर के प्रबंधकों को भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अधिकार देते हैं। तो इसमें वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हम ज्यादा कर रहे हैं। पूरे संगठन में व्यवस्थित अधिकार अंतरण किए जाने के फलस्वरूप जो है वो विकेंद्रीकरण की स्थिति पैदा होती है। या और ज्यादा हम डिटेल में अगर जाना चाहें तो विकेंद्रीकरण और अधिकार अंतरण की प्रक्रिया लगभग एक जैसी होने के कारण प्राय दोनों में अर्थ के बारे में भ्रम हो जाता है, क्योंकि दोनों में ही अधिकारों को बांटा जा रहा है। कुछ लोग दोनों को ही समानार्थी समझते हैं, लेकिन यह गलत है। इसके अंतर को एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कि उदाहरण ले तो हम मान लीजिए एक कंपनी का मुख्य प्रबंधक उत्पादन विभाग के प्रबंधक को अपने विभाग में उन कर्मचारियों की नियुक्ति का काम सौंप देता है, हमने पढ़ा था ये, जिनका वेतन 10,000 रुपये से कम है, तो यह अधिकार अंतरण कहलाएगा। इसके विपरीत यदि कर्मचारी की नियुक्ति का अधिकार भी विभागीय प्रबंधकों को सौंप दिया जाए तो विकेंद्रीयकरण कहलाएगा। यानी कि बड़ा हो गया, देखिए एक में लिमिट कर दी, मतलब भर्ती करके दे दिए आपको, और आपके अंडर में वो दे दिए जिनके 10,000 रुपये तक की सैलरी है, तो फिर हम उसको कहेंगे अधिकार अंतरण। लेकिन आपको भर्ती का भी अधिकार दे दिया गया साथ में, यानी कि सारा काम आपसे ही करवाया जा रहा है, तो हम उसको डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से जानेंगे। यदि विभागीय प्रबंधक अपने इस अधिकार को उप प्रबंधकों को सौंप देगा तो विकेंद्रीयकरण का और अधिक विस्तार हो जाएगा। इसमें हम कह सकते हैं कि यदि हम अधिकार सौंपें तो हम इसे 2 से गुणा कर सकते हैं, यदि हम विकेंद्रीयकरण करते हैं तो इसे अनगिनत गुणा हम कर सकते हैं। ठीक है, एक समझाने की बात है सर कि अधिकार अंतरण में हम 2 से गुणा कर रहे हैं और उसमें जो है वो 2 से ज़्यादा से गुणा कर रहे हैं, मतलब बड़ा होता है डिसेंट्रलाइजेशन एज कंपेयर टू अधिकार अंतरण से। चलिए विकेंद्रीकरण का ही टॉपिक चल रहा है, विकेंद्रीकरण की विशेषताएं हम जान लेते हैं। सबसे पहली विशेषता है यह अधिकार अंतरण का एक विस्तृत रूप है। अगर विशेषताएं हमने ध्यान से समझ ली तो अर्थ बना सकते हैं हम इसका, अगर हमने अर्थ अच्छे से समझ लिया तो विशेषताएं हम उसी अर्थ में से बना सकते हैं। तो हमने यही अर्थ पढ़ा था कि अधिकार अंतरण में अंतरण का विस्तृत रूप है, बड़ा रूप है। यह अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है, अधीनस्थों को ज्यादा काम सौंपा जाता है तो उनका महत्व बढ़ जाता है। फिर यह संपूर्ण संगठन में लागू होने वाली एक प्रक्रिया है, ये नहीं होगा कि एक ही विभाग में है, पूरे के पूरे संगठन में जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन हम लागू करेंगे। फिर यह उच्च स्तरीय प्रबंधकों के कार्य भाग में कमी लाता है, हमने उदाहरण समझ लिया था कि कार्य की भर्ती, वर्कर्स की भर्ती का काम भी जो है वो विभाग को सौंप दिया गया था, तो उसी उदाहरण को ले लीजिए, उच्च वर्ग के पास में कार्यभार कम हो जाएगा और निम्न वर्ग में जो है वो बढ़ जाएगा। फिर एक विशेषता ये भी हो सकती है इसकी, इसमें निर्णय उन कर्मचारियों के द्वारा लिए जाते हैं जिन्हें इन निर्णय को लागू करना होता है, तो जिनको फॉलो करवाना है वही निर्णय जो है वो लेंगे। फिर इसके अलावा
इसमें अधिकारों के साथ साथ उत्तरदेयता का भी हस्तांतरण हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे अधिकार भी हम डिवाइड करते हैं उसी प्रकार से उत्तरदेयता भी साथ साथ डिवाइड हो जाती है, किसमें, अधीनस्थों। चलिए, विकेंद्रीकरण का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है। तो विकेंद्रीकरण के जो है वो महत्व के संबंध में अगर हम एक लाइन भी अगर हम बोलना चाहें तो कह सकते हैं कि प्रश्न यह नहीं है कि विकेंद्रीकरण किया जाए या नहीं किया जाए, बल्कि यह है कि विकेंद्रीकरण की मात्रा कितनी हो। ठीक है, कितना जो है वो हम डिसेंट्रलाइज अपने विभागों को हम करें, अर्थात विकेंद्रीकरण के बारे में यह विचार करने की जरूरत नहीं है कि इसे लागू किया जाए या नहीं किया जाए, बल्कि यह देखने की है कि कितने अधिकारों को अधीनस्थों तक पहुंचाया जाए और कितने उच्च अधिकारियों के पास सुरक्षित रखे जाएं। बस ये चीज ध्यान में रखनी है इसमें। यह बात विशेषकर बड़ी संस्थाओं में बिल्कुल सत्य है। इस बात की सत्यता का आधार यह है कि विकेंद्रीयकरण का महत्व, जो अभी हम पॉइंट डिस्कस करेंगे उनके उनके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो सबसे पहला, अधीनस्थों में पहल करने की क्षमता का जो है वो विकास करता है डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि सारा का सारा अधिकार और उत्तरदायित्व सारी की सारी हमने ट्रांसफर कर दी। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत बड़ी मात्रा में अधिकारों को जो है वो सौंप दिया जाता है। अधिकार एक ऐसी चीज होती है जो व्यक्तियों को सोचने पर और नया कुछ करने पर मजबूर कर देती है, जिससे क्या होता है कि उनका इनिशिएशन पावर, जो पहल करने की क्षमता, अधीनस्थों में पैदा होने लग जाती है। फिर भविष्य के लिए प्रबंध की योग्यता का विकास होने लग जाता है। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत निम्न स्तर के प्रबंधकों को भी अपने कार्य से संबंधित निर्णय लेने के अधिकार सौंप दिए जाते हैं। इस प्रकार निर्णय लेने के अवसर प्राप्त होने से उनमें प्रबंधकीय गुणों का जो है वो डेवलपमेंट होने लग जाती है, उनके ज्ञान में वृद्धि होने लग जाती है और अनुभव में भी वृद्धि होती है। प्रबंधकीय जो गुण होते हैं उनके, इससे प्रबंधकों को भविष्य में आगे और अधिक जिम्मेवारी सहन करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। फिर क्विक डिसीजन मेकिंग, शीघ्र निर्णय, सभी प्रबंधकीय निर्णयों का बोझ कुछ ही व्यक्तियों पर ना कर अनेक व्यक्तियों में बढ़ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन में, जिससे क्या होता है कि निर्णय जो है वो जल्दी जल्दी लेने शुरू हो जाते हैं और हमारी जो संस्था है उसका विकास भी शीघ्र गति से होने लगता है। फिर इंपॉर्टेंस, उच्च प्रबंध के कार्यभार में कमी आ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ वर्क जो है वो अपने अधीनस्थों में वो डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि छोटी छोटी समस्याओं में उलझे नहीं रहते और कार्यभार में काफी कमी आ जाती है, और वो मेन मौके मोटिव जो है वो जो उनका है पर कोऑर्डिनेशन बना के रखना हर चीज के अंदर, प्रॉफिट ओरिएंटेड जो है वो उसके ऊपर जो अपन कंसंट्रेट कर पाते हैं। फिर विकास में सहायक, विकेंद्रीकरण के अंतर्गत अधीनस्थों के निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता जो है वो प्रदान की जाती है। यह स्थिति जो है अधीनस्थों में उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती है, अर्थात वो पहले से भी बेहतर परिणाम लाने का प्रयास करने लग जाते हैं। उनकी यह सोच विभागीय प्रतियोगिता को जन्म देती है। ऐसी स्थिति में सभी एक दूसरे से बढ़िया काम करने का प्रयास करते हैं और इसी के साथ में संगठन का जो है वो बहुत बढ़िया विकास हो जाता है। फिर आखिरी हमारा पॉइंट इसी के अंदर इंपॉर्टेंस का ही, बेहतर निर्णय, क्योंकि काम बट गया है। काम बटने से क्या होता है, नियंत्रण बहुत बढ़िया होता है। विकेंद्रीकरण में हर स्तर पर कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना एवं उत्तरदायित्व निश्चित करना संभव होता है। प्रत्येक विभाग के उद्देश्य उत्तरदायित्व जो है वो अपने अपने डिवाइड हो जाते हैं, उनको पता चल जाते हैं, और क्या होता है कि इसे उच्च प्रबंधक जो है वो अच्छे ढंग से नियंत्रण कर लेते हैं इसमें। तो विकेंद्रीकरण एक महत्वपूर्ण हमारे लिए प्रबंधकीय गुण है अगर हम इसको करना सीख लें। तो हमारा आज का आखिरी टॉपिक है ये, अधिकार अंतरण और विकेंद्रीयकरण में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो अंतर का आधार सबसे पहला है प्रकृति, नेचर। अधिकार अंतरण सभी संस्थाओं में जरूरी होता है, अर्थात इसके अभाव में हम कार्य प्रभावशाली ढंग से नहीं कर सकते, जबकि विकेंद्रीयकरण पाया जाए यह कोई जरूरी नहीं है, इसके अभाव में हम काम चला सकते हैं। तो अधिकार अंतरण जरूरी है हर संस्था में मिले, विकेंद्रीयकरण के बगैर हम काम चला सकते हैं क्योंकि ये वैसे भी उससे बड़ा। फिर दूसरा आधार, कार्यवाही की स्वतंत्रता। अधिकार अंतरण में कम स्वतंत्रता दी जाती है, इसके अंतर्गत अधिकार सौंपने के बाद भी अधिकार सौंपने वाले का अधीनस्थ पर पूरा नियंत्रण रहता है, जबकि विकेंद्रीकरण में हमने पढ़ा था इसमें पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। तो कार्यवाही की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि अधिकार
अंतरण में जो है वो कम स्वतंत्रता होती है, हमने अभी पढ़ा, उनको पूर्ण रूप से जो है वो अधिकार जो है वो नहीं सौंपे जाते। इसके अलावा विकेंद्रीकरण की जब हम बात करते हैं तो उसमें अधिक स्वतंत्रता होती है, लगभग पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसके अंतर्गत प्राय अधिकार जो है वो सौंपने वाले का अधीनस्थों पर कम नियंत्रण होता है, अपेक्षाकृत अधिकार नियंत्रण पर। फिर तीसरा जो है वो अंतर का आधार रहेगा हमारा स्थिति, स्टेटस। अधिकार अंतरण में कार्य विभाजन के फलस्वरूप की जाने वाली प्रक्रिया अधिकार अंतरण होती है। कार्य विभाजन इसके अंदर जो है वो मैटर करता है अधिकार अंतरण में, जबकि विकेंद्रीकरण में उच्च प्रबंधक द्वारा बनाई गई नीति का परिणाम जो है वो विकेंद्रीकरण होता है। तो ये स्थिति एक आधार है इसका। फिर उसके अलावा क्षेत्र, स्कोप। अधिकार अंतरण अधिकारों के सीमित वितरण को प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसका क्षेत्र सीमित होता है। क्या है? अधिकार अंतरण अधिकारों के सीमित वितरण को प्रदर्शित करता है, मतलब पूर्ण रूप से जो है वो हम अपने वर्क को या उससे जुड़े हुए अधिकारों को जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो वितरण हम उसको बांट नहीं देते, जबकि विकेंद्रीकरण में अधिकारों के व्यापक विस्तरीकरण को जो है वो दर्शाता है, इसलिए इसका क्षेत्र बड़ा होता है। जबकि हमारा अंतर का जो है वो लास्ट आधार जो है वो है उद्देश्य, पर्पस। अधिकार अंतरण का उद्देश्य एक अधिकारी के कार्य भार को कम करना होता है। अधिकार अंतरण का उद्देश्य एक अधिकारी के कार्य भार को कम करना होता है, जबकि विकेंद्रीकरण का उद्देश्य संगठन में सत्ता का फैलाव करना होता है, मतलब एक के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना होता है। हम ज्यादा लोगों के ऊपर अपना कार्य वितरण जो है वो बांट देते हैं, ताकि एक ही जो है वो उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड ना हो जाए या बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व तो उसी का ना हो जाए, तो हम उसमें क्या करते हैं, फैलाव कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।